أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله ما شاء الله بارك الله मोहतरम सैयद शाहज़ेब गिलानी साहब बड़े प्यारे अंदाज में तलावत कलाम पाक से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। नकाबत की इस ड्यूटी में मेरे साथ शामिल हैं मेरे भाई सगे हैदर असद हैदरी साहब, मैं उनको स्टेज पर मधु किया है। मैंने नकाबत की कुछ जिम्मेदारी वो अदा करेंगे, कुछ मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। तो सना खानी के सिलसिले का आगाज करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम असद हैदरी साहब को। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला अलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह।
सलातो सलाम अली के या सैयद अल-अंबिया वल मुरसलीन व अला अली का वासहाबी का या रहमतुल आलमीन या रसूल अल्लाह उंजुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नानी फी बहरी हम मुरकुन खुजियादी साहिलना आशकालना। अल्लाह पाक का बेपना लुत्फ व करम है जिसके अता करता तौफीक से आज हम गुनाहगारों को ये सआदत हासिल हो रही है। मालिक कायनात से दुआ है अल्लाह हम सबकी इस काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इस दरगाह का सदका अल्लाह ताला हमारे हाल पे अपना खसूसी रहम व करम फरमाए और हुजूर क़िबला हाजी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। जितने भी अवाब तशरीफ़ लाएँ मजीद आएंगे अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सब का आना कबूल फरमाए। मोहब्बत और अकीदत के साथ आप एक नारा बुलंद करें और जिस तरह हम मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते जाएंगे मोहब्बत और अकीदत के साथ जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाएँ अल्लाह से दुआ है अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए। मोहब्बत के साथ आप एक नारा बुलंद कर लें नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी नारे गौसिया। पहले चार मिसरे आपकी समाधों की नज़र करता हूँ मोहब्बत के साथ समाध कीजिएगा कि अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दें अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दें खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दें अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन ये मुस्तफा का काम है मुस्तफा पे छोड़ दे अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन ये मुस्तफा का काम है मुस्तफा पे छोड़ दे। अपने उनमान के पहले सना खान रसूल मोहतरम सुहेब कादरी साहब से मुल्तजी हूँ आप तशरीफ लाएं और नात रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएं। दुरूद पाक सब असरात इस यकीन से पढ़े हम पढ़ते हैं सरकार सुनते हैं बुलंद आवाज सल्लल्लाहु अलैहि गया रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि गया हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह की औकात हकीर दिए औकात हकीर दिए हो की औकात हकीर दिए की औकात हकीर दिए ओ मेरा ते कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दिए मेरा ते कुछ भी ना 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 मेरा ते कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दिए मेरा ते कुछ भी नहीं सारी गल हैदर पीर दिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह हाँ
मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं लज पाला दे लड़ लगिया मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं लज पाला दे लड़ लगिया मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं लज पाला आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहते मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहते मैं लज पाला ते लड़ लगिया मैं लज पाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी कदे भी लोड़ नहीं पैंदी सानू दर दर तो मंगने दी मैं लज पाला दा मंगदा हां मैं लज पाला दा मंगदा हां मैं लज पाला दा मंगदा हां मैं सोने हैदर दा मंगदा हां मैं सोने हैदर दा मंगदा हां मेरे बल्ले परे रहते मैं सोने हैदर दा मंगदा हां मैं सोने हैदर दा मंगदा हां मेरे बल्ले परे रहते मैं लज पाला ते लड़ लगिया मैं लज पाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मेरी आसा उम्मीदा दे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहते ख्याले यार ख्याले यार बिच मैं मस्त ख्याले यार बिच मैं मस्त रहना हाथी ने राती ख्याले यार बिच मैं मस्त रहना हाथी ने राती मेरे दिल बिच सजन बसता मेरे दिल बिच हैदर 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 बसता मेरे दी ते ठरे मैं लज पाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मैं लज पाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते मेरी आसा उम्मीदा दे सदा वो ते हरे रहते मैं लज पाला खुशाई का शरफ हासिल फरमा रहे थे रब कायनात से दुआ है अल्लाह पाक इनकी हाजरी अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।
चार मिसरों के साथ अगले सनखान रसूल को सदा दे रहा हूँ कि उतर कर गिर कर संभल कर वो अक्सर पार होते हैं, उतर कर गिर कर संभल कर वो अक्सर पार होते हैं, उतर कर गिर कर संभल कर वो अक्सर पार होते हैं, कोई लंगर कोई जेरे लंगर पार होते हैं, उतर कर गिर कर संभल कर वो अक्सर पार होते हैं, कोई लंगर कोई जेरे लंगर पार होते हैं। नबी की मोहब्बत का समंदर भी अजीब है जाफर, जो इसमें डूब जाता है वो अक्सर पार होते हैं। नबी की मोहब्बत का समंदर भी अजीब है जाफर, जो इसमें डूब जाता है वो अक्सर पार होते हैं। मोहतरम एहसन खान साहब से मुल्तजी हूँ, आप तशरीफ लाएं, सरकार की बारगाह में लबकुशाई का शरफ हासिल फरमाएं। आप मोहब्बत से एक नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, दायां हाथ बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, आका के नाम पर दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हौसिया। जो मेरे को तुम कदर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल से ताजबर से है, शाहों से कुछ वर्ज ना कैसे ताजबर से है, शाहों
से कुछ गरज ना किसे ताज पर से है, शाहों से कुछ गरज ना किसे ताज पर से है, शाहों से कुछ गरज ना किसी ताज पर से है, शाहों से कुछ गरज ना किसी ताज पर से है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया, शाहों से कुछ गरज ना किसी ताज पर से है। मेरी तो आशनाए तेरे संग दर से है, मेरी तो आशनाए तेरे संग दर से है, शाहों से कुछ गरज न की जिस राह से वो से नस्बत मेरी जबी को से राह गुजर से है, नस्बत मेरी जबी को से राह गुजर से है, शाहों से कुछ बरस न किसी ताजवर से है, शाहों से कुछ गरज उनसे नजर मिली तो नजर उनकी हो गई, उनसे नजर मिली तो नजर होने दो, इनसे नजर मिली तो नजर उनकी हो गई, उनसे नजर मिली तो नजर उनकी हो गई, ये मामला अजीब नजर नजर से है, ये मामला अजीब नजर का नजर से है, शाहों से कुछ गरज न किसी तेरी निगाह से हुए जख्मी दिलो जिगर, तेरे एक दोष का तेरे एक दोषकार ये तेरे हुनर से है, शाहों से कुछ गरज न किसी ताजवर से, अरे
कुतुब वास्ता मुझे क्या खैर व शर से है। फिर कुतुब वास्ता मुझे क्या खैर व शर से है। शाहों से कुछ गरज ना किसी ताजवर से है। मेरे तो आशना ही तेरे संग दर से है। शाहों से कुछ गरज ना किसी हसन खान साहब सरकार की बारगाह में लब कुशाई का शरफ हासिल फरमा रहे थे। मुझे जल्दी से अगले ऐलान की जानिब बढ़ना है इन कलिमात के साथ कि आज साकी शराब रहने दो, आज साकी शराब रहने दो, तिश्नगी के अजाब रहने दो, आज साकी शराब रहने दो, तिश्नगी के अजाब रहने दो। चांद बादलों में अच्छा लगता है, आधे रुख पे नकाब रहने दो, आज साकी शराब रहने दो, तिश्नगी के अजाब रहने दो। चांद बादलों में अच्छा लगता है, आधे रुख पे नकाब रहने दो, और उनकी चौखट को चूम लो मोहसिन, उनकी चौखट को चूम लो मोहसिन, बाकी सारे सवाब रहने दो, उनकी चौखट को चूम लो मोहसिन, बाकी सारे सवाब रहने दो। और ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं, तेरी महफिल का भरम रख लेते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। हशर में मेरी गवाही कौन देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। हशर में मेरी गवाही कौन देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। मोहतरम नुमान महबूब साहब से सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बड़े ही प्यारे भाई मोहतरम असद हैदरी साहब नकाबत के फराइज अंजाम दे रहे थे। आज की इस बज़्म में मैं बसत अदब एहतराम आले नबी औलाद अली मोहतरमुल मकाम हजरत वाला शान पीर सैयद गुलजार शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया को तशरीफ लाने पर अपनी जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, अहले महफिल की जानिब से, सबकी जानिब से दिल की यथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। भरपूर नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर। दोस्ताने ज़ीबकार अब भी अगर सदाएं नहीं आनी तो फिर कब आनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरबार के उस तरफ शायद बच्चे बैठे हैं, उनकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज सुनने के लिए दिल बेताब हो रहा है और आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, गौसे आजम दस्तगीर। मैं बारे दिगर हजरत वाला शान मोहतरम मकाम पीर सैयद गुलजार शाह साहब दामत बरकातहुम आलिया को आज की इस महफिल नात बसिलसिलाए उर्से सुल्तान अल फतूहात अल हकीकत हजरत पीर हाजी गुलाम हैदर कादरी अज़दियाई अरज़वी में दिल की यथा गहराइयों से अपनी जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, तमाम अहबाब की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। और इनके साथ साथ हमारी बज़्म की जीनत बन रहे हैं अराकीने में हाजनात कौंसल मोहतरम ज़हीर अब्बास कादरी साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनको भी दिल की यथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ।
अभी इंतजामिया की जानिब से मुझे नाम आ रहे हैं मेहमान ने गरामी कदर के, लेकिन मैं वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए अभी बात आगे बढ़ा रहा हूं। तमाम मेहमान ने गरामी कदर को अभी का शुक्रिया भी अदा करेंगे, खुश आमदीद भी कहेंगे। मोहतरम जितने दोस्त खड़े हैं, पहले तो उनसे गुजारिश करूंगा वो बैठ जाएं, बराह करम बैठ जाएं। इंतजामिया के अहबाब के अलावा आप में से कोई खड़ा ना हो, जिन लोगों को इंतजामी अमूर दिए गए हैं उनके अलावा कोई खड़ा ना हो। मेरे बड़े प्यारे भाई मोहतरम असद हैदर हैदरी साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे, मैं बात को आगे यूं बढ़ाऊंगा कि आज उसका दिन है। हम यहां पर अपने मुर्शिद के मैखाने में उसकी आंखों की वो मस्त जाम पीने आए हैं कि मैं नजर से पी रहा हूं ये समा बदल ना जाए, मैं नजर से पी रहा हूं ये समा बदल ना जाए, तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल ना जाए। मैं नजर से पी रहा हूं ये समा बदल ना जाए, तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल ना जाए, क्योंकि साकी गमे जमाना को दशनाम चाहिए, साकी गमे जमाना को दशनाम चाहिए, और मैं मुझे तो सिर्फ तेरा नाम चाहिए। साकी गमे जमाना को दशनाम चाहिए, और मैं मुझे तो सिर्फ तेरा नाम चाहिए। मैं गौर कर रहा हूँ रमूज़े हयात पर, मैं गौर कर रहा हूँ रमूज़े हयात पर, इस वक्त तेरी निगाह का एक जाम चाहिए। और साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निगाह का इल्जाम चाहिए। साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निगाह का इल्जाम चाहिए। बिना ताखिर अगले सनखान को दावत दे रहा हूँ, गुजारिश करूंगा मोहतरम नुमान महबूब कादरी साहब से कि वो आए और अपने दिए गए शेड्यूल में अपनी हाजिरी पेश करें। मोहतरम नुमान महबूब कादरी साहब। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि का रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका हबीबल्लाह, जिदा जग परवाना आए, जिदा जग परवाना आए, जिदा जग परवाना आए, जिदा जग परवाना आए, ओ बाबा बीबी जहरा दा हसनैन दनाना आए, ओ बाबा जहरा दा हसनैन दनाना आए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का रसूलल्लाह वसल्लम रब रब करती है दिल करता है अल्लाह अल्लाह हो, मेरी रूप ही रब रब करती है दिल करता अल्लाह अल्लाह हो, मेरी रूप ही रब रब करती है दिल करता अल्लाह अल्लाह हो, मेरी रूप ही रब रब करती है दिल करता अल्लाह अल्लाह हो। जिस दिन दम लोगो फड़े आए, जिस दिन दम लोगो फड़े आए, जिस दिन दम लोगो फड़े आए, एक फस्त फकीर तपल
अल्लाह वो तेरी रूह है रब रब करती है दिल करता है अल्लाह अल्लाह वो दिल करता है अल्लाह अल्लाह वो 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 इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद ए चढ़िया फिर न लेंदा इश्क तेरे दा रंग 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 गु मुहम्मद चढ़िया फिर न लेंदा मैनू रंग है दरदा चढ़िया है 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 मेरे देख तेरा हर कम हो गया सब अल्लाह दिल करता है अल्लाह अल्लाह दिल करता है अल्लाह अल्लाह मेरी रूह है रब रब करती है करता है अल्लाह अल्लाह अखियां ते चंद्रे खुल जाते सब रिश्ते नाते खुल जाते अखियां ते चंद्रे खुल जाते सब रिश्ते नाते खुल जाते मारदा इश्क पथल्ला हो दिल करता है अल्लाह अल्लाह हाँ दिल करता है अल्लाह अल्लाह हो रब कर दी ये दिल करता है अल्लाह अल्लाह एक नाज़ शरीफ का हुक्म हो बस वो पढ़ के कबाए इश्क तुझे ऐसे बनाया तुझे ऐसे बनाया हुआ है कबाए इश्क तुझे ऐसे बनाया हुआ है कबाए इश्क तुझे ऐसे बना हुआ है काबाए इश्क तुझे ऐसे बनाया हुआ है कि ख्यालों को तवाफों पे लगाया हुआ
और संग दर पर गए तेरे दर पे पड़े रहते हैं, संग दर पर गए तेरे दर पे पड़े रहते हैं। हमने खुद को तेरी तहजीज बनाया हुआ है, और दिल की मस्जिद में तू गूंजे है अजानों की तरह, तुझको हाथों में दुआओं सा उठाया हुआ है, इश्क तुझे ऐसा बनाया हुआ है कि ख्यालों को तवाफों पे लगाया हुआ है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मोहतरम नौमान महबूब सावर के साथ ही बड़े प्यारे अंदाज में अपना हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। यार इतने खामोश सामईन, कभी आप वो मंजर देख लेना जो गुस्ल के वक्त था, जो आपके दिलों में उस वक्त जो जोश था, वो पता नहीं आप कहां छोड़ के आ गए हैं। आप मेरे बाबा जी हुजूर की शादी पे आए हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? आप बाबा जी हुजूर की शादी पे आए हैं तो इतने गुमसुम होके ना बैठो यार, पता लगे कि अपने बाबे की शादी पे आए हो। इंतजामिया के पास और हमारे पास पहले तो ये दिन डिसाइड होने के बाद हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गई थी। ये तो उसकी मेहरबानी है, ये तो उसकी करम नवाजी है, न जाने कौन इस्तेमाल हुआ किस तरह ये दिन आपको नसीब हो गया। तो आज का दिन भी अगर आपने खुशी नहीं दिखानी तो फिर पूरे साल में कोई दिन नहीं बचता खुशी दिखाने के लिए। आपके चेहरों पर पता चलना चाहिए आप अपने बाबा जी हुजूर की शादी पे उनके उर्से पाक को मनाने के लिए आए हैं। अब मैं चार मिसरे पेश करके अगले सना खान को बुलाने लगा हूं, पता चल जाएगा कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। आपने इंतजामी अमूर के मामला जो है ना उन लोगों को करने दें, ठीक है? मैं पढ़ता हूँ आप सुनते हैं। वो इंतजामिया के लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपकी खिदमत के लिए ये सारे इंतजाम करते हैं अपने बाबा जी हुजूर के हाजिरीन और जाहिरीन के लिए। तो आपने उनके मामला को देखेंगे तो फिर मैं फिर कौन सुनेगा? आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ। ये शाखें बोल उठती हैं, शगुफे बोल उठते हैं, ये शाखें बोल उठती हैं, शगुफे बोल उठते हैं, चले बादे सपा गुलशन में गुंचे बोल उठते हैं। ये शाखें बोल उठती हैं, शगुफे बोल उठते हैं, चले बादे सपा गुलशन में गुंचे बोल उठते हैं। छिड़े जब यार की बातें मिठन मंठार की बातें, छिड़े जब यार की बातें मिठन मंठार की बातें, जुबा खामोश भी हो तो ये चेहरे बोल उठते हैं। अब भी नहीं कोई अगर बोलेगा ना, जो थक चुका उससे मेरा गिला नहीं है, जो थका नहीं है
अपने जिस्म पर और अपनी जुबान पर अपने मुर्शिद का हक समझता है उस पे वाजिब नहीं औजब है कि सुभान अल्लाह कह के जवाब दे। अभी नहीं आवाज आई, अब कुछ महसूस होता है उर्स मनाने के लिए आए, तो इसी जोश व खरोश को एंड तक बहाल रखिएगा। मैं अगले सना खान को इस तरह बुलाने लगा हूं, कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इस महबूब चेहरे को देखें, कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहां मौजूद थे हमसे भी सब पूछा किए, हम भी वहां मौजूद थे हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे कुछ ना कहा मंजूर था पर्दा तेरा। हम चुप रहे कुछ ना कहा, क्यों ना कहा, क्योंकि तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। यार सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई, इस सूरत को देखकर कहो, मेरे पढ़ने पे ना कहो, इस सूरत को देखकर सुभान अल्लाह कहो, जिसका चेहरा देखकर अल्लाह याद आ जाता है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अगले सना खान को दावत दे रहा हूं, गुजारिश करूंगा मोहतरम उसामा इनायत कादरी साहब से कि वो स्टेज पर आए, अपने दिए गए शेड्यूल में अपने हदिया अकीदत पेश करें। मोहतरम उसामा इनायत कादरी साहब, मोहब्बत के साथ हुजूर की बुलंद बारगाह में बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, ये जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे मदीना बनाए बैठे हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। जो वास्ता से तेरे ला लगाए बैठे गवाह जमाने पिछाए बैठे
सिवा कौन है रसूल ऐसा बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं मैनू मदनी मनाण दा ढंग भी नहीं मैनू मदनी हां मैनू मदनी ंग भी नहीं मेरा इश्क भी हां मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं ते मेरी जानी वर्गी टोर भी नहीं फिर है की है रम है इनका जो अपना बनाए बैठे हैं रम है इनका जो अपना बनाए बैठे हैं और इसी जौक से पढ़िए एक दफा सारे पढ़ लो जरा बुलंद आवाज में पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि बना रखा है कितने आने है मोहम्मद के घराने और आती भी कैसे चश्मे तगाफुल में रो आंखों पे इख्तलाफ के पर्दे पड़े रहे द
दरवाजा इल्म का खुलता रहा मगर कुछ लोग जान बूझ के बाहर खड़े रह गए। फिर कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले। बड़ा खूबसूरत तंत्र के मुझको दुनिया माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में मोहतरम उसामा नाज कादर साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे आज की इस बज़्म इश्क में और बज़्म मोहब्बत में महफिल नात में। अजान के लिए कुछ वक्फा है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम उसामा नायक कादरी साहब बड़े प्यारे अंदाज में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। इसी दौरान आज की इस बज़्म में मेरे बाबा जी हुजूर के खलीफा मजाज मोहतरम सूफी मोहम्मद एजाज कादरी साहब तशरीफ लाए। सूफी मोहम्मद एजाज कादरी साहब दामत बरकातहुम अलैह को तशरीफ लाने पर मैं दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इनके साथ साथ मेरे स्टेज की जीनत हैं मोहतरम पीर मुश्ताक अली खान सोहरवर्दी साहब के मुरीद और उनके खलीफा भी मोहतरम पीर बसीर खान सोहरवर्दी साहब दामत बरकातहुम अलैह। मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बाबा जी हुजूर के खलीफा मजाज मोहतरम एहसान कादर कादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और जो मेहमानान गिरामी कदर भी तशरीफ लाते रहेंगे वो हमारे लिए काबिल इज्जत काबिल एहतराम है। मेरे बाबा जी हुजूर के हाजरीन और जायरीन हैं, उनको खुश आमदीद कहते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ कि गुनाहगार हो या मोतबर जरूरी है। अहबाब जी वकार, जब से ये महफिल शुरू हुई है ना, अब यकीन जाने मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ बैठे हैं। आपके ना चेहरों से लगता है ना सदाओं से लगता है, बराहे गरम जहनी और वजूदी तौर पर यहाँ मौजूद हूँ। मेरी बात आपको समझ आ गई है? मैं अगला मिसरा तब तक नहीं दूंगा जब तक आपसे सुभान अल्लाह की सदा की दाद और दुआ नहीं नसीब होगी। जब बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, जो थक चुका है वो भी कह दे सुभान अल्लाह, जरा एक दफा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। गुनाहगार हो या मोतबर जरूरी है, गुनाहगार हो
या मोतबर जरूरी है, हर एक जबी के लिए एक दर जरूरी है। जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। गुनाहगार हो या मोतबर जरूरी है, हर एक जबी के लिए एक दर जरूरी है, क्योंकि सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, दर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और दर दर पे जो न झुक जाए उसे सर नहीं कहते। रुतबा भी मेरे सर को तेरे दर से मिला है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आपको साथ लेके मेरा लगता है बाजू पकड़ के साथ लेके चलना पड़ेगा, बार बार ये गुजारिश करनी पड़ेगी। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। रुतबा भी मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। रुतबा भी मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, अरे मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। इन अल्फाज के साथ मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम मोहम्मद इरफान कादरी साहब से कि वो स्टेज पर आएं और अपने दिए गए शेड्यूल में अपनी हाजिरी पेश करें। अहबाब हर सना खान का नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। हमें नारा ना लगवाना पड़े, आप ही नारा लगाइए। जरा नारा लगाइए, कोई बोले नारा तकबीर कहे यार, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौसे आजम दस्तगीर। अब पता चलता है सुनने के लिए आए हैं और जाग रहे हैं। आइए बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना मिलके पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على مولانا محمد ہے درجی تیری خیر تیرے میں کدے دکھے یار سبحان اللہ باندھی ہے ہے درجی تیری خیر تیرے میں کدے دکھے کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے پڑھو نا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پانچ منٹ حاضری کے لیے ملے ہیں اور کلام حاصل کلام شعر ہے یہ کلام آپ سنیے گا انشاءاللہ امید ہے سب کو عطا مل کے پڑھیے گا ہاں سائے میں سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں ہو قسمت ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلوں
جانم کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جانم ہو کیا شان تمہاری ہے قابل توجہ شعر ہے کہ کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اور نقشہ تیرا دل کش ہے تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سواری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ محترم عرفان قادری صاحب بڑے پیارے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے دوران حاضری ہماری بزم نعت میں تشریف لانے والے مہمان ہیں محترم پروفیسر اور خطیب جامعہ مسجد ارائیاں میرے بابا جی حضور سے محبت فرمانے والے علامہ مسعود مجاہد صاحب دامت پر قاتم العالیہ میں انہیں تشریف لانے پر اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اگلے ثنا خوان کو دعوت دیتا ہوں محترم عمران نذیر قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے دیے گئے شیڈیول میں اپنی حاضری پیش کریں محترم عمران نذیر قادری صاحب اور آپ سے وہی گزارش یار نعرہ لگاؤ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم دستے سلامت رہیں آپ سلامت صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں گئے فرمائیں گے
सरकार गुनाहगार कहाँ है फरमाएंगे सरकार गुनाह बन जाएगी बन जाएगी माशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी क्योंकि सरकार शफात के लिए आए हुए हैं सरकार शफात आए हुए हैं सरकार शफात के लिए कहना सबा हुजूर से कहते हैं ये गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह हाँ या रब दे मुझको जुबान मदह सराय के लिए जाना है मदीने में गदाई के लिए रौनक जिंदगी आप है रौनक जिंदगी आप है रौनक जिंदगी आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी आप गए मेरी सारी खुशी आप गए रौनक जिंदगी आप गए रौनक जिंदगी आप गए जिस जिसकी खुशी है वो बुलंद आवाज से कह दे मेरी सारी खुशी मेरी सारी खुशी आप गए मेरी सारी खुशी आप गए आप गए सफे अंबिया कौन होगा इमाम सफे अंबिया कौन हो सारे नबी आप हैं बोल सारे नबी आप हैं बोल सारे नबी आप हैं कौन होगा इमाम में सफे अंबिया कौन हो का कौन हो का इमाम में सफे अंबिया बोल सारे नबी आप हैं
آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں اور شعر سنیے کہ میرے دامن میں زہرا کی خیر رات گئے جتنے ہیں سب کی جھولی میں خیرات ایک ہی ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات گئے میرے دامن میں زہرا کی خیرات گئے میرے دامن میں زہرا کی خیرات گئے تو ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں آپ ہیں ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں آپ ہیں ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیر رات رات ہے ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں آپ ہیں ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں آپ ہیں ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں آپ ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں ایک ایک شعر اور بعد میں حضرت مولا علی سرکار کی بارگاہ میں بس ایک شعر پڑھ کے بس ایک ایک شعر ہاں بٹتا گئے کائنات میں صدقہ بطول کا بٹتا گئے کائنات میں صدقہ بطول کا بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا رہتی ہے میری دیکھ لو موجے لگی مجھ پہ کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا مجھ پہ کرم ہوا ہے یہ سارا بطول کا مجھ پہ کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا علی علی ہے علی علی ہے جو قوت بازو نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر گئے دونوں ہاتھ نگر نگر گئے گلی گلی گئے علی علی ہے بس ایک شعر پیش کروں گا توجہ چاہیے کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو آواز کیا آتی ہے کہ علی نگی سے علی نگی سے بو علی گئے علی نگی سے بو علی گئے
अली अली है 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 नगर नगर गए गली गली गए अली अली गए अली गली गए सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम इमरान नज़ीर कादरी साहब बड़े प्यारे अंदाज में हदिया अकीदत पेश कर रही थे। महफिल लम्हा व लम्हा अपने अरूज की तरफ बढ़ती हुई दोस्ताने जीवकार पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब अल्लाह रहमत ने जब ये कलाम जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ लिखा तो लिखा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयदना गौसे आजम की बारगाह में। मैं ये पांच मिसरे जब भी पढ़ता हूँ हम उस अहद में नहीं थे जब हुजूर गौस पाक थे। जिन आंखों ने उनको देखा उन आंखों को सलाम। मगर मैं ये मिसरे पांच गौसे आजम नहीं मज़हर गौसे आजम को देख के पढ़ता हूँ। और वो क्या है अब इस तस्वीर सामने इस चेहरे की तरफ देखिए मेरी तरफ मत देखें सिर्फ समाज कीजिए। सर की जीनत अमामा है इरफान का मरहबा मरहबा। सर की जीनत अमामा है इरफान का मरहबा मरहबा। तन पे जुब्बा मोहम्मद के एहसान का मरहबा मरहबा। सर की जीनत अमामा है इरफान का मरहबा मरहबा। जुब्बा तन पे मोहम्मद के एहसान का मरहबा मरहबा। और अभी सैयदा पाक का जिक्र हो रहा था रंग आंखों में जहरा के फैजान का मरहबा मरहबा। रंग आंखों में जहरा के फैजान का मरहबा मरहबा। रूप चेहरे पे आयत कुरान का मरहबा मरहबा। रंग आंखों में जहरा के फैजान का मरहबा मरहबा। रूप चेहरे पे आयत कुरान का मरहबा मरहबा। सज के बैठा है नौशाह जीलान का मरहबा 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 मरहबा। जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं अपने ऐवान के अगले सनाखान को दावत दे रहा हूँ। गुजारिश करूंगा अराकीन मिनहाज नाथ कौंसल मोहतरम अमजद अली बिलाली बरादरान कि वो आए स्टेज पर अपने मखसूस अंदाज में अपने दिए गए शेड्यूल में हदिया अकीदत पेश करें। जितनी देर तक उनके कदम और उनके आने वाले साथियों के कदम स्टेज पर आते हैं मैं माइक को यूं मसरूफ रखूंगा कि दुनिया वालों को तेरे ख्वाब जो आने लग जाएं। ए मुर्शद ए मेरे सोने चेहरे वाले ए मेरे रोशन चेहरे वाले मुर्शद दुनिया वालों को तेरे ख्वाब जो आने लग जाएं। शाम होते ही सभी खुद को सुलाने लग जाएं और आयतों जैसे खदो खाल को चिलमन ही में रख। आयतों जैसे खदो खाल को चिलमन ही में रख। ये ना हो लोग तेरी कसमें उठाने लग जाएं। ये ना हो लोग तेरी कसमें उठाने लग जाएं। गुजारिश कर रहा हूँ अराकीन मिनहाज नाथ कौंसल मोहतरम मोहम्मद अमजद अली बिलाली बिरादरान से कि वो आएं और अपने मखसूस अंदाज में अकालम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب کو آج عرصِ پاک کی یہ تقریب بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک ہم سب پہ سرکار کی نظر عنایت ہمیشہ رکھے احباب
بلا تاخیر درود پاک کے ساتھ آغاز کرتے ہیں تمام احباب مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تیرے ناز اٹھائے اللہ نے صلی علیہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے صلی علیہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے تیرے ہی لیے میرے پیارے نبی تیرے ہی لیے میرے پیارے نبی کونین سجائے اللہ نے صلی علیہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے
ملکا تیری صورت ہے ماں اجمل کا تیری صورت ہے ماں احسن کا تیری سیرت ہے ماں اجمل کا تیری صورت ہے ماں احسن کا تیری سیرت ہے ورفانا لکا ذکر ورا فانا لکا ذکر کہہ کر تیرے رتبے بڑھائے اللہ نے صلی علیکا یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے صلی علیکا یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے ایمان کی تابانی کے لیے ایمان کی تابانی کے لیے کیا خوب نگینے ہم کو دیے ایمان کی تابانی کے لیے کیا خوب نگینے ہم کو دیے تاج بیری مہر علی تاج بیری حیدر پیا تاج بیری حیدر پیا تاج بیری حیدر پیا اور خواجہ بنائے اللہ نے صلی علیکا یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے صلی علیکا یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے صلی علیکا یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و احسن من کلام درقت عائلون و اجمل من کلام تلد النساء و احسن من کلام درقت عائلون و اجمل من کلام تلد النساء خلقت كما تشاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبحان الله ما أجملك ما أحسنك ما أكملك سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق اکی کتے جا لڑیا سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى تو سرکار نے ہمیں سکھایا ہے کہ عید کے موقع پہ بڑوں سے عیدی لینی چاہیے
तो जो भी इल्तिजा हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाए हमारे हक में, उससे बड़ी गिद्दी क्या हो सकती है। तो वो कलाम जो सरकार ने मुझे हुक्म फरमाया था, वो कलाम सरकार जी को सुनाते हुए हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा के लिए। हुजूर गुल चाय उम्मीद अब को गिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हो तो भीख मिल जाए। सल्ले आला नबीना, सल्ले आला मोहम्मद, सल्ले आला शफीना, सल्ले आला मोहम्मद, सल्ले आला नबीना, सल्ले आला मोहम्मद। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, 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 भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, अब नवासों का सदका आता हो, अब नवासों का सदका आता हो, अब नवासों का सदका आता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। कर रहे हैं हम हुजूर के भिखारी हैं और हुजूर हमारे बादशाह हैं, और किस बारगाह में गुजारिश की जा रही है। सरकार जी का जो उसलूब है उसके मुताबिक हुजूर की बारगाह में मांगा जाए। अपने हाथों को फैलाइए, इस तरह से फैलाएं, जरा निकालिए हुजूर की बारगाह में फैलाएं, शर्माएं नहीं, हुजूर की बारगाह में फैलाने हैं, निकालें अपने हाथों को जरा और मिल के कहिए जरा। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, 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 भर दो झोली अब सबकी, 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 भर दो झोली अब सब। तुम्हारे आस्तान से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से जमाना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। ताजदार करम, करम की भीख मिले मुझको ताजदार करम, करम की भीख मिले मुझको ताजदार करम। दिया है आपको अल्लाह ने इख्तियार करम, दिया है आपको अल्लाह ने इख्तियार करम, दिया है आपको अल्लाह ने इख्तियार करम। हो बादशाह हो गदाया के अंबिया और रसूल, हो बादशाह हो गदाया के अंबिया और
رسول او بادشاہ او گدایا کے انبیاء او رسول برستا آپ کا سب پر ہے آبشار کرم برد جولی میری تاجدار مدینہ 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 دور میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی وہ شان نرالی حق سے پائی وہ شان نرالی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس پہ تذرے کرم بھر کے ڈالے قسمت کا چمکا ستارہ قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم بھر کے ڈالے برد و جولی برد و جولی برد و جولی میری تاجدار مدینہ برد و جولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ محترم امجد علی بلالی برادران اراکین منہاج نعت کونسل بڑے پیارے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اسی دوران ہماری بزم کی زینت بنے آستانہ عالیہ سہروردیا سے تشریف لائے محترم سید ابو الاویس سید شاہد رسول سہروردی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادہ صاحب صاحبزادہ محترم سید محمد اویس گیلانی سہروردی دامت برکاتہ العالیہ میں اپنی جانب سے اپنی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں پشاور سے محترم المقام عالم قادر صاحب تشریف لائے انہیں دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میرے بابا جی حضور کے خلیفہ مجاز محترم صفدر اقبال قادر صاحب تشریف لائے ان کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس بزم میں سلطان الفتوحات الحقیقت مظہر غوث العظم نائب قطب مدینہ قاسم حب محمد و آل محمد حضور پیر حاجی غلام حیدر قادری ازدیائی ارزی دامت برکاتہم العالیہ کے چھوٹے صاحبزادہ جنید حیدر قادری صاحب تشریف لائے صاحبزادہ جنید حیدر قادری دامت برکاتہم العالیہ انہیں تشریف لانے پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنی جانب سے بھی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے بھی تیرے دردے ٹکڑے ملدے نے تیرے دردے ٹکڑے کھانا ماں تیرے دردوں ٹکڑے ملدے نے تیرے دردے ٹکڑے کھانا ماں تیرے دردوں ٹکڑے ملدے نے تیرے دردے ٹکڑے کھانا ماں لوگی پوچھدے نے اس میں اعظم تیرا نام سنائی جانا ماں لوگی پوچھدے نے اس میں اعظم تیرا نام سنائی جانا ماں اور کیسے کہ ستاروں کا جہاں ہے در مرشد کے نام پہ چند مصرے ہیں میں نے اگلے ثنا خان کو دعوت دینی ہے میرے پاس وقت کی تنابیں کھینچی ہیں تو آپ اگر خاموشی سے سنیں گے تو مزہ نہیں آئے گا مجھے پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا آپ کو سننے میں نہیں آئے گا میرا ساتھ دیجئے گا مرشد کے نام کا ورد کرنا ہے ایک منٹ کی حاضری اگلے ثنا خان کو میں نے دعوت دینی ہے ستاروں کا جہاں ہے در ہے روشن کہکشاں ہے در ستاروں کا جہاں ہے در ہے روشن کہکشاں ہے در ضمیر دو جہاں ہے در حیات جاویداں ہے در طریقت کی عزا ہے در حقیقت کا نشاں ہے در
طبیب جسم و جان حیدر ہمارا پاسباں حیدر ہے ساقب کی زباں حیدر ہے ساقب کی زباں حیدر زمین کیا آسماں حیدر میرا مرشد میرا بابا میرا مرشد میرا بابا ہے کتنا مہرباں حیدر میرا مرشد میرا بابا ہے کتنا مہرباں حیدر انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی اس بزم کے مہمان ثنا خان جو کہ سٹیج کی زینت بن چکے ہیں شاگرد ہیں محترم قاری شاہد محمود صاحب کے محترم محمد اعظم قادری صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر یار میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اللہ کا نام لینا ہے اس کے لینے میں جھجک کیا ہے اب آپ ہی نعرہ لگائیں گے یہ مائک میں بند کرنے لگا ہوں آپ میں سے ہی کوئی نعرہ لگائے گا اٹھیں نعرہ لگائیں یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم پتہ کیا ہے میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ بار بار ہلانا پڑتا ہے جگانا پڑتا ہے بار بار بتانا پڑتا ہے تو میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہوں گا آپ لوگوں نے میری اس ڈیوٹی سے برا نہیں منانا ہے ٹھیک ہے گزارش کروں گا محترم اعظم قادری صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی حاضری پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں آج کی یہ پروقار محفل میلاد مصطفیٰ جو بسلسلہ عرس پاک کی سلسلے میں یہ سجی ہے اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آج کی محفل کا سجنا اور آپ سب کا تشریف لانا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن کے عرس پاک کی محفل میں ہم شامل ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ الحاج غلام حیدر قادری ضیائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور سٹیج پر آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ آپ بھی تشریف فرمائیں اور جتنے احباب تشریف فرمائیں اللہ تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ میرا پڑھنا میرے بعد جو حاضریاں ہیں اللہ تمام کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لائیں تاکہ جو آنے والے ہیں ان کو بھی جگہ مل سکے تھوڑا تھوڑا آپ قریب تشریف لائیں بھائی اویس اشرف صاحب کی بڑی محبتیں اللہ آپ کو بھی دارین کی نعمتیں عزتیں عطا فرمائے نبی پاک کی بارگاہ میں سارے احباب اس یقین سے درود پاک پڑھ لیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں ہمارے قبلہ حاجی احمد مینا صاحب آپ بھی تشریف لائیں اللہ آپ کو بھی قدم قدم برکتیں رحمتیں عطا فرمائے نبی پاک کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ جھوم جھوم کے پیش کر لیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حبیب اللہ جدا جگ پروانہ ہے تھوڑا جا اور اچھی سبحان اللہ جدا جگ پروانہ ہے بابا اے بی بی زہرا دا حسنین دا نانا اے بابا اے زہرا دا حسنین دا نانا اے بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں
जो पला है वो हाथ उठाए और हाथ उठा के बोले, बचपन से ही सरकार टुकड़ों पे पला हो, बचपन से ही सरकार टुकड़ों पे पला हो, बचपन से ही सरकार टुकड़ों पे पला, मैं बचपन से ही सरकार टुकड़ों पे पला हो, मैं शाह मदीना के कताओं का कता हो, मैं शाह मदीना के कताओं का कता हो, मैं शाह मदीना बचपन से ही सरकार टुकड़ों पे पला, मैं बचपन से ही सरकार टुकड़ों पे पला हो, मैं शाह मदीना ये कताओं का कता हो, मैं शाह मदीना ये कताओं का कता हो, मैं शाह मदीना ये कताओं का कता हो, साइर भी गुहाजी भी हुमाता है नबी, साइर भी हाजी भी माता है नबी भी, साइर भी हाजी भी माता है नबी, मैं साइर भी हाजी भी माता है नबी, मैं कुछ पीर है हा चुके, जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ हो, जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ हो, जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ हो, मैं शाह मदीना के गदाओं सुभान अल्लाह। इस बात पे दोनों हाथ उठाएं और दोनों हाथ उठा के बोले, जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ हो, जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ, मैं जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ, हाँ जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ, हाँ जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ, मैं जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों, जिनके कदमों में बैठे हैं उनकी बातें हाथ उठाएं और हाथ उठा के बोले, जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ, हाँ जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ, मैं जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ हो, जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ हो, मैं शाह मदीना के नवासों का कदा था, मैं शाह मदीना के नवासों का कदा था, जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ, हाँ जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाह, हैदर 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 हैदर, अल्लाह जो सबसे ऊंची बोले बलिए कामल का सदका वो खाली ना जाए, जो हाथ उठा के बोले, जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ हो, जो कुछ भी हूँ हैदर की निगाहों से हुआ हो, मैं शाह मदीना के नवासों का कदा हो, मैं शाह मदीना के नवासों का कदा, मैं शाह मदीना के नवासों का कदा हो, बेदम शहीद तो पांच है मकसूद कायनात, दोनों हाथ
हाथ उठा के बेदम शहीद पांच है मकसूद कायनात, बेदम शहीद पांच है मकसूद कायनात, बेदम शहीद पांच, 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 जड़ा नहीं मानता ओ ना मन, बेदम शहीद पांच, बेदम शहीद पांच, बेदम शहीद पांच, बेदम शहीद पांच, बेदम पांच है बेदम शहीद पांच, मकसूद कायनात खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, जीता पांच तन नाल प्यार नहीं, जिदा पांच तन नाल, जिदा पांच तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं, जेड़ा चो यारा दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं, पांच तन 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 पंजतन 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 मैं शाह मदीना हे नवासो रखदा हूँ, मैं शाह मदीना हे नवासो रखदा हूँ, और ऊंची सुभान अल्लाह, मेरा दिल कर रहा है इस कलाम को मैं शामिल करूं किबला, चूँकि आज पहली दफ़ा हाजिरी हुई है तो ये चंद अशार किबला शाह साहब, भाई ज़ाहिर आपकी भी तवज्जो भाई अवैस शाह साहब। हाँ उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। अब पता नहीं किसके हाथ उठेंगे, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली, या सही चलाएं या उसे चलाने दे, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा
भी बड़ा सजता है उनकी चौखट भातों का सा भी बड़ा सजता है। सुने दोनों हाथ को तार बड़ा हो तो सवारी भी खड़ा सजता है। तार बड़ा हो तार बड़ा हो तार बड़ा हो तो सवारी भी खड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता। उनकी चौखट हो सवाली भी बड़ा लग फिर हाथ उठा के हाथ उठा के फिर हाथ उठा के कहना चाहिए ना दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा शाह साहब से और किबला गुलाम हादर हैदर जैई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे मंसूब है उनके लिए शेर है। तवज्जो ताजे शाही ताजे शाही के मुकद्दर में कहां से पाई जिसका दर उनकी गुलामी का कड़ा सजता है। जिसका दर उनकी गुलामी का कड़ा सजता है। जिदी चोली आका परी हा चुके दर बड़ा हो तो सवारी बात कही है कमाल है जिसका दर उनकी गुलामी का पटा सजता है। जिसका दर उनकी गुलामी का पटा सजता है। दर बड़ा हो दर बड़ा की गुलामी पपटा सजता है। तर 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 बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। आपकी आंखें नम है और मैंने फकत शाह साहब से दुआ लेनी है वहां से तो फैज आ ही रहा है और क्यामत की सुबह तक आएगा। ठीक है अब शेर सुनना कोई बोले ना बोले तुसी लाजमी बोलना है ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है।
सुभान अल्लाह, ऐसा आका कमाल है, सुनिएगा, ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरु निस्बत हैदरी हो तो फिर बोल बड़ा सजता है, निस्बत हैदरी हो तो फिर बोल बड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो। हुजूर, हुजूर, शाह साहब जलवा कर रहे हैं, तो मैं एक बात कर दूं छोटी सी बरकत के लिए, जेड़े बंदे नहीं हाथ चुक रहे उन वास्ते, नबी पाक की बारगाह में राहिब आया ना भाई अवैस अशरफ, हुजूर राहिब आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह औलाद के लिए आया हूं, नबी पाक ने फरमाया तेरे नसीब से औलाद नहीं, नबी पाक भी अता करते हैं, लेकिन नबी पाक ने बताना था हसनैन करीमैन की अजमत क्या है, हसन हुसैन की अजमत क्या है, नबी पाक ने फरमाया तेरे नसीब में औलाद नहीं, वो रोता रोता बाहर आया, हसनैन करीमैन ने नजर पाई, पता नहीं उन कौन बोलेगा कौन पीछे रह जाएगा, मौला हसन मुस्कुराए, पूछा की वजह है, रोना क्यों है, अर्ज की सरकार दी बारगाह च अर्ज की सी के हुजूर औलाद वास्ते आया, नबी पाक ने फरमाया तेरे नसीब च औलाद नहीं, हसन बादशाह मुस्कुराए हैं, पता नहीं को समझ आती है या नहीं आती, लेकिन लजपाल स्टेज पर मौजूद हैं, दाद मुझे मिल जानी है, मौला हसन मुस्कुराए हैं, फरमाया राहिब एक पुत्र, हुसैन हुसैन फरमाया राहिब दो, हसन फरमाया तीन, हुसैन फरमाया चार, हसन फरमाया पांच, हुसैन फरमाया छह, हसन फरमाया सात, राहिब ने ऐसे हाथ बांधे भैया वैसे एंड हाथ जोड़े, पता की क्या, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजे, जो कुछ लेने आया हाथ उठाए, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा फैलाए बोले, दर बड़ा हो तो सवा, आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, और इस नियत से पेश कर रहा हूं कि आप इस बात पे भी पूरे हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या, सर्वरे दीन के सर्वरे 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 सर्वरे
मुसल्ले पे खुदा जानता है। शेर सुने, सरवरे दी के मुसल्ले पे खुदा खुदा। हुजूर बैठे तो मैं अकीदा पढ़ रहा हूँ, कौन फैसला हो जाना, फैसला कौन गल है। सरवरे दी के मुसल्ले पे खुदा जानता है क्या, मुर्तजा पीछे हो सीधी खड़ा सजदा है। मुर्तजा पे सुन्नी मावा ने पुत्र बोलो ना हाथ चौके, हाँ मुर्तजा पीछे हो सीधी खड़ा सजदा करवाया। पढ़ूं जी, मौला शब्बर से, मौला शब्बर से खुदा जाने सखी मादी तक, मौला शब्बर से खुदा जाने सखी मादी तक गुलशन ज़हरा का हर फूल बड़ा सजता है। गुलशन ज़हरा का हर फूल बड़ा सजता है। गुलशन ज़हरा का हर फूल बड़ा मंगता जो मंगता नहीं होने दे। सुभान अल्लाह। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने होने देते। उनका मंगता उन दोनों हाथ चुकने की आवाज ऊंची होनी चाहिए थी। कह रहे हमारे नबी सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी। कौन देता है देने वाला है सच्चा हमारा नबी, बस उनका मंगता ऊंचो मंगता नहीं होने देते। एक गल करा, ऐसे लजपाले हैं रुसवा नहीं होने होने देते। ऐसे लजपाले हैं रुसवा नहीं होने होने देते। है ये ईमान ईमान के आएंगे कब्र में मेरी, है ये ईमान के आएंगे कब्र में मेरी। जिसका अकीदा है कब्र में सरकार ने आना है वो हाथ उठाएगा। अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने होने देते। अपने मंग तो गुलाम सहारा हूं मैं तो अली का दातर हूं। अब इस बात पे पता नहीं किसके हाथ उठे, कम से कम आज जड़े मेरे पीर पाई खड़े ने हाथ चुकन ते हाथ चुके कह हर बंदा हाथ उठाए बोले गुलाम सहारा हूं मैं तो हैदर का दातर हूं। नौकर हूं बस गुलाम
पांचे तने सरबते ही मेरे काम आए, मेरे काम आए हमेशा पांचे तने सरबते ही मेरे काम आए, मेरे काम आए हमेशा पांचे तने सरबते मेरे काम आए हमेशा पंज तने से बसे मुर्तजा पीछे हो मुर्तजा पी है दर पी छे हो फिर मुरीद खड़ा सजता है दर पी छे हो फिर मुरीद खड़ा सजता है। अब पूरी कुवत लगाए बोले दर बड़ा हो तो सवाली ऊंची हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, जो एक दो तीन फरमाइशें हैं वो मैं एक एक शेर पेश कर दूंगा ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ, आप भी शामिल हो जाएं, और ये आयाम भी गुजरा है तो मैं पेश कर रहा हूँ। हाँ घर अली दे आया गाजी, जिदे हाथ सलामत ने हाथ चुके घर अली दे आया गाजी, पैर धरते ते पाया गाजी, घर अली दे आया गाजी, पैर धरते ते पाया गाजी, अली 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 घर अली दे आया गाजी, पैर धरते ते पाया गाजी, घर अली दे आया गाजी, पैर धरते ते पाया गाजी। शबीर शाहर भी मुस्कुराए, शबीर शाहर भी मुस्कुराए, तो मैं वीर एक कोल आए, फिर दो रल के छाया गाजी, दो रल के छाया गाजी, पैर धरते ते पाया गाजी, अली अली घर अली दे आया गाजी, पैर धरते ते पाया गाजी, अली 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 दे आया गाजी, पैर धरते ते पाया लाग लवी है। ये निस्बत कैसे जुड़ी है? आओ हैदर ते दर ते बवी है, आओ हैदर तो लाग लवी है, जेड़ा ते कुछ लैन आया हा चुकेगा शेर कमिया ने गाया गाजी, शेर कमिया ने गाया गाजी, शेर कमिया ने गाया गाजी, पैर धरते ते पाया अली अली घर अली ते गाया गाजी, पैर धरते ते पाया गाजी, घर अली ते घर अली ते अली दे घर अली दे अली दे घर अली दे अली दे
फकत शाह जी से मैंने दुआ लेनी है। अब्बास आए बतूल खुश है, खुश है अब्बास आया बतूल खुश है, रंग दुआवा ने लाया गाजी, रंग दुआवा ने लाया गाजी, रंग दुआवा ने लाया गाजी, पैर धर दे पाया गाजी, गाजी घर अली दे आया गाजी, पैर धर दे पाया गाजी, गाजी घर अली दे आया गाजी, पैर धरती पाया गाजी, गाजी घर अली दे आया गाजी, पैर धरती पाया गाजी, गाजी घर अली दे आया गाजी, पैर धरती पाया गाजी, घर अली दे आया गाजी, पैर धरती पाया गाजी। हजरत एक शेर ये भी सुने, अली वर्गा जमाने थे अली वाले मौजूद भी हैं, आए भी हैं, खुश आमदीद कहते हैं, सुने अली वर्गा जमाने थे। अच्छा ईमानदारी से बताएं किदा किदा पीर अली है, हाथ ऊंचा, बहुत शुक्रिया, जिदा पीर अली हाथ चुके बोले, अली वर का जमाने थे कोई पीर विखा बैनो, हाँ अली वर का जमाने थे कोई पीर विखा बैनो, अली 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 वर का जमाने थे कोई पीर विखा बैनो, अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा, कोई वीर विखा बैनो, अली वर का जमाने थे कोई पीर विखा बैनो, अले 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 अली वर का जमाने थे कोई पीर विखा बैनो, हाथ मेरे हाथ आवे तो दोनों हाथ चुकना गोटे छड़ के, अली 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 अली, शेर पढ़ा जाए तो फिर हैदर हैदर बुलंद वासे हो, अली 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 जो अभी तक नहीं बोले हैदर हैदर इस शेर तो बाद या सब तू ची बोलेगा या सब तू चुप रह जाएगा, शेर ऐसे जिन्हें नहीं कहना हैदर ओ जावे उधर, जिन्हें नहीं कहना हैदर ओ जावे उधर, जिन्हें पहना हैदर और कहना पहना हैदर, नारा हरि हरि
रहा हूँ, जिन्हें नहीं कहना है दर, जिन्हें नहीं कहना है दर, आप देखेंगे अब हाथ भी उठेंगे आवाज भी ऊंची होगी। अली का नाम लिखने को जो कागज पे कलम रखा है, अली का नाम लिखने को जो कागज पे कलम, कागज पे कलम, कागज पे कलम रखा है, अली का नाम लिखने को जो कागज पे कलम रखा है, इनके सुभान अल्लाह सुनिएगा, अली का नाम लिखने को जो कागज पे कलम रखा है, ऐसा लगता है कि जन्नत में कदम रखा है। अली वर समाने दे कोई पीर वेखा मैनो। हजरत ये जिक्र ऐसा है असी करते रहिए तुसी सुनते रहो रात मुक सकती लेकिन जिक्र ए खत्म होने वाला है नहीं। मैं बस क्योंकि मेरे बाद भी हाजरियां हैं अल्लाह तमाम को इज्जत अता फरमाए आखिर में दो तीन शेर मेरा जी चाह रहा है मैं ये शामिल करूं चूंकि ये उससे पाक की महफिल है किबला। मैं क्यों मंगा किसे को लो मेरा साई सलामत है मैं क्यों मंगा किसे को लो मेरा साईं सलामत है कदे भी खैर नहीं मुके ए हैदर दी करामत है मैं दिल दे नाल। अच्छा ये बात थोड़ी बारीक है अगर इनको समझ आ जाए मेरे पीर भाई बोलन लाजमन मैं दिल दे नाल नी दिए
तेरे तो वखरा नहीं जीना नीतिए तेरे तो वखरा नहीं जीना मैं तेरी दीद दा तालिब ए हा मेरी इबादत है। इस शेर के लिए हुजूर मैंने इतना सफर किया है, इस शेर के लिए मैं अपने साई दा नौकर दर बड़ा हो गल हो ये मैं अपने साई दा नौकर मैं अपने साई दा खातिम मैं अपने साई दा नौकर मैं अपने हैदर दा मंगता की निस्बत वाला ऐसे इस मिसरे से तड़प जाएगा। मैं अपने साईं दा मंगता मैं अपने साईं दा नौकर गिला करना हबीबादा मुनाफिक दी अलामत है गिला करना हबीबादा मुनाफिक दी अलामत है आजम ने धक्के खाने सन जो दर तेरे ते नादा आजम ने धक्के खाने सन जो दर तेरे ते नादा तेरी निस्बत भरण रखे ए हा मेरी शनाखत तेरी निस्बत एक मिनट के लिए हाथ उठाए बोले मैं अपने साईं दा नौकर मैं अपने साईं दा मंगता इधर मुंह करके जरा सारे कहिए मैं अपने साई दा नौकर मैं अपने साई दा खातिम मैं अपने मैनू इस गल ते बड़ा माण है मैं अपने साई दा नौकर मैं अपने मंगता गिला करना हबीबादा मुनाफिक दी अलामत जो आंखें नम हो गई हैं अल्लाह ये आंसू कबूल फरमाए। आखिर में मुझे बार बार कहा है तो मैं एक दो शेर पढ़ देता हूँ उसी के साथ अपनी हाजिरी मुकम्मल कर लूंगा। अल्लाह आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। हूँ तो पूछने की लोड़ ही नहीं कि मुर्शिद आला है जड़ा है मुर्शिद आला हाथ पूरा चुके बिस्मिल्लाह मैं कमा मेरा मुर्शिद सोना दोनों हाथ उच्चे करके कहने हके मैंने वा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चिया दे संग लाई मैंने वा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चिया दे संग लाई सदी कजमा एन उचिया तो जिना नीवियां नाल निभाई हके कहना पूरी कुवत नाल मेरा मुर्शिद सोना 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 सोली बास बदन ते पाए पीर बिना गन नंगी सोली बास बदन ते पाए पीर बिना गन नंगी इक निगाह जे मुर्शिद वेख इक निगाह
जय मुर्शिद सोहा जादो चंगी जिन्हां दे उर्से पाच बैठे हाथ चुके कह हके गुलाम हैदर सोना 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 हाजरी मुख्तसर कर गया मुखचंद बदर शाह जानी मद चमक दे लाट नु रानी कल जुल्फ दे अख मस्तानी लगबोर हकी हिम्मत वरिया इस सूरत नु ले जाना जाना कक जान जहाना सच आख कर रब दे मशाना इंसान दे शाना संबनी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां अजमल का मां आसर का मां अकमल का ते मेरे अली कद देर सना गुस्ताख हकीकत जा अड़िया मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना सैयद गुलजार सोना सैयद गुलजार सोना सैयद गुलजार सोना सैयद होंदा सोना सैयद होंदा सोना सैयद लगदा सोना सैयद लगदा सोना सैयद लगदा सोना सुभान अल्लाह सोना जुनेद सोना 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 सजाद सोना सोना सजाद सोना सोना सजाद सोना सोना सजाद सोना सोना सैयद गुलजार सोना सैयद अवैस सोना सैयद अवैस सोना सैयद अवैस सोना पीर फुरकान सोना पीर फुरकान सोना पीर फुरकान सोना पीर हजरत जिथो मैनू रंग लगे न चलिए उस बारगाह च डंडी नहीं मारनी मेरा दिल कहंदा है ए हस्तियां मेरे वास्ते दुआ करन हाथ ना उठान भावे दुआ करन तुसी दोनों हाथ उठा के हर बंदा बोलेगा हके हाँ मेरा दाता सोना 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 मेरा दाता सुभान अल्लाह एक माई दा बचड़ा मरे आदर सवारे आई ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਬਚੜਾ ਮਰਿਆ ਦਰੇ ਸਵਾਰੇ ਆਈ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਚੋਖੜੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਮਰਿਆ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਮਰਿਆ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗੋਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਗੋਸੇ ਆਜ਼ਮ ਸੋਹਣਾ ਗੋਸੇ ਆਜ਼ਮ ਸੋਹਣਾ ਗੋਸੇ ਆਜ਼ਮ ਸੋਹਣਾ ਗੋਸੇ ਆਜ਼ਮ ਸੋਹਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ गौसे आजम सोना गौसे आजम सोना इमाम हसन सोना इमाम हसन सोना इमाम हसन सोना इमाम हुसैन सोना इमाम हुसैन सोना इमाम हुसैन सोना गाजी अब्बास सोना मेरा गाजी सोना मेरा गाजी सोना अमीरे हमजा सोना अमीरे हमजा सोना सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह इस गल से मचल जाओ हाथ चुको और बोलो हके सैयद अमीरे हमजा सोना अमीरे हमजा सोना अमीरे हमजा सोना अमीरे हमजा सोना हट 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 हट
अमीरे हमजा सोना, अमीरे हमजा सोना, अमीरे हमजा सोना। आखिरी गल कर रहा, दोनों हाथ चौके कहना हके। करबल वाला सोना, 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 सोना जांदे गाफिल गोते खंदे डुबन न दे मोहम्मद बख्शा दे कामिल पीर जिना दे मेले चार दिना दे उस दिने तू मुबारक हो सी जिस दिन फेर गे या रसूल अल्लाह या इली या इली सुभान अल्लाह माशाल्लाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया गौसिया आजम दस्तगीर पीरा नबी मोहतरम मोहम्मद आजम कादरी साहब बड़े प्यारे अंदाज में अपनी हाजिरी को हुजूरी की मंजिल तक ले जा रहे थे। आप सबके जौक ने साथ दिया। ये इंतजामिया की तरफ से पैगाम तो आपने सुन लिया होगा। थोड़ा आगे आगे हो जाएं, थोड़ा आगे आगे हो जाएं। जिसके आगे जगह खाली है उस जगह को पूर करें। कुछ मेहमान पीछे खड़े हैं ताकि उन्हें बैठने की जगह मिल सके। जो लोग खड़े हैं उनसे ये गुजारिश है बराहे करम तशरीफ रखें। अभी महफिल जारी है, अभी महफिल खत्म नहीं हुई। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। आज की इस बज़्म में मैं हजरत सुल्तान फतूहात हकीकत मजहर गौसुल आजम नायब कुतुब मदीना कासिम हुब मोहम्मद आल मोहम्मद हजरत पीर हाजी गुलाम हैदर कादरी अज़रियाई अर-रिज़वी तामत बरकातुम आलिया के बड़े साहेबजादा साहब साहेबजादा सज्जाद हैदर कादरी साहब को तशरीफ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से अपनी जानिब से और इंतजामिया की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। अभी आप सब सुन रहे थे कि यहाँ पर हैदर 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 के नाम की सदा बुलंद हो रही है। लोगों, मैंने जो जुमला कहना है किसी को हजम ना हो तो मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं ये जुमला अपनी शेख के सामने उनके होते हुए कह चुका हूं। और उनकी शाने पाक ये थी कि गलत लफ्ज गलत जुमला जब उनके सामने कोई कह देता तो आप उसकी सलाह फरमाते थे। आज यहां पर हैदर 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 के नाम की जो सदा गूंज रही है ना, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अरे ये जमीन पर तुम हैदर हैदर कर रहे हो, खुदा की कसम कुरान से सबूत देता हूं, आज तो आसमानों पर भी हैदर हैदर हो रही है। आज आसमानों पर भी हैदर हैदर हो रही होगी। बाबा फरीदुद्दीन सरकार गंजे शंकर का उर्स है, हजरत पीर मेर अली शाह सब तशरीफ ले जाते हैं। एक दीवाना पूछता है, बाबा जी हुजूर आपका इल्मी मकाम रूहानी मकाम बहुत बुलंद है, हुजूर आप देख रहे हैं
या रब होने की बजाय यहाँ फरीद फरीद हो रही है। अब हजरत पीर मेर अली शाह साहब जैसी रूहानी हस्ती तो वो थे ही, वो जितनी बड़ी रूहानी हस्ती थे उतनी ही बड़ी इल्मी हस्ती भी थे। लोग न सिर्फ रूहानी फैज लेने आते थे बल्कि कस्बे इल्म के लिए भी उनकी बारगाह में हाजिर होते थे। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने एक लहजा इंतजार किए बगैर फरमाया, ये तो खुदा का वादा है, तुझे जमीन पर फरीद फरीद हजम नहीं हो रही, आज आसमान पर भी फरीद फरीद हो रही है। जब उसने ये सुना तो कहा, हुजूर ये आप कैसे कहते हैं? फरमाया, तूने कुरान नहीं पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा, वज़कुरूनी अज़कुरुकुम वज़कुरूनी वला तकफुरून। मेरे अल्लाह का फरमान है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो और काफिरों से मैं जैसे ना हो जाना। जब उसका वादा है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब फरीदुद्दीन गंजे शकर की जिंदगी 60 साल थी या 70 साल थी या 80 साल थी, मुअर्रिख जो भी लिखे, फरीद ने रब रब किया। और जब फरीद की जाहरी हयात खत्म हुई तो न सिर्फ जमीन पर आसमानों पर भी उसका वादा सच्चा है। तुम जमीन पर फरीद फरीद कर रहे हो, वो आसमानों पर फरीद फरीद कर रहा है। इस बाबे की जिंदगी का गवाह सिर्फ मैं नहीं, मेरे स्टेज की मुअज्जल हस्तियां हैं, आप सब हैं। मेरे बाबे ने सारी जिंदगी रब रब किया है, अपने नबी के नाम का नारा लगाया है, अली के नाम का नारा लगाया है, पंचदर पाक के नाम का नारा लगाया है, हक चार यार का नारा लगाया है। आज जमीन पर हैदर हैदर ही नहीं हो रही, आज तो आसमानों पर भी हैदर 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 हो रही हो। इन अल्फाज के साथ मैं आज की बज़्म के अगले सना खान को बुला रहा हूँ। मेरी मुराद अराकीन मिनहाज नाट कौंसल मोहतरम जहीर अब्बास कादरी बिलाली बिरादरान हैं। जब तक वो स्टेज पर आते हैं आपने तवज्जो इधर रखनी है, आपने तवज्जो इधर रखनी है। 13 रजब का दिन था, मौजूदा सामीन आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो, इंतजामिया को सना खानों को उनका काम करने दें। जब 13 रजब का दिन था, 13 रजब का दिन था, यही दरबार था, हमने आई लव यू मौला अली अली किया था, मौला अली की बारगाह में अपनी मोहब्बतों को निछावर किया था। आज उस दिन हैदर की बारगाह में किया था, आज गुलाम हैदर की बारगाह में करते हैं। तुम खुद ही इश्क समंदर जी, तुम हुस्न का गहरा सागर जी, तुम जूदो सखा का पैकर जी, हम सब हैं तोरे मांगत जी, हम सब हैं तोरे चाकर जी। I love you मुर्शद हैदर जी, I love you मुर्शद हैदर जी। अरे जो जो मोहब्बत रखता है इजहार करने से डरता है, वो तोड़ दे आज ये सारा कुछ, आज इजहार करो, खुलकर हाथों को बुलंद करके कहो, मेरे साथ मिलकर कहो, I love you मुर्शद हैदर जी, कोई हाथ नीचे ना रहे, I love you मुर्शद हैदर जी। अरे दुनिया में ताल्लुक बनाते हैं तो मोहब्बतों के इजहार निछावर करते हैं, ये तो वो ताल्लुक है, कल कयामत के दिन वो कहेगा तू दुनिया में आई लव यू कहता था, आज हशर में कब्र में मैं तुझे आई लव यू कहता हूँ। हाथों को बुलंद करके मेरा साथ दीजिए, आई लव यू मुर्शद हैदर जी, 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 आई लव यू मुर्शद हैदर जी। मोहतरम जहीर अब्बास कादरी बिलाली बिरादरान अकल सलातो सलाम की बारगाह में हदिया की पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब को सैयदी व मुर्शिदी व सनदी व मौलाई हाजी गुलाम हैदर कादी अज़ियाई सुभान अल्लाह।
सरकार जी का ये उर्स पाक दिलो जान से मुबारक हो। और कुछ ऊपर से और नीचे कोई एलसीडी नहीं चल रही, कोई इशारा कर रहे हैं, ग्राउंड को देख लीजिए। कोर्स भी है साथ। अच्छा जी, अभी चूंकि हम चूंकि मेज़बान भी हैं तो अभी साथी तकरीबन पहुंच गए हैं, शहबाज फयाज कवाल के जो हबाब हैं अभी चंद लम्हों में उनको नीचे बुलाया जाएगा, फिर वो अपना सिस्टम लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह हाजिरी होगी। अभी बस आखिरी नात आज की इस प्रोग्राम की, उसके बाद फिर इंशाल्लाह महफिल समा होगी। मगर तमाम अहबाब जिस खुशी और मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इसी तरह महफिल समा में भी इंशाल्लाह शमूलियत होगी। मिलकर मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह दस में तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लीजिए ज़रा। सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ दो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका। मैं तमाम आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी आपने, अल्लाह पाक आप सब की इज़्ज़तों में शरफ और बरकत आ फरमाए। सबसे बड़ी बात किबला सरकार बादशाह आपके लखते जिगर सैयद अवैस गिलानी साहब, आप सरकार तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मोहब्बतें, आपकी मेहरबानी। मोहतरम पीकर रहब शरीद मोहतरम सैयद गुलजार शाह साहब गिलानी, आपका शुक्रिया। मोहतरम साहबजादा हुज़ूर सैयदी मुर्शदी किबला हाजी गुलाम हैदर कादरी मोहतरम सजाद भाई, आपका इंतहाई मशहूर। मोहतरम जुनेद भाई इंतहाई शुक्रिया। किबला सूफी जाज साहब आपका शुक्रिया। हज़रत अलामा साहब आपका, मसूद मुजाहिद साहब, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने सरकार के साथ कुर्बत में वक्त गुजारा है। ये एक एक शख्सियत जो है ना, वो एक एक किताब है, बल्कि किताब मैंने छोटा कहा है, शायद किताबें हैं। तो अल्लाह पाक आपके सब अहबाब ने तशरीफ़ ला के हमारा मान बढ़ाया है। और मोहतरम हाजी एहसान कादर साहब, अल्लाह पाक इनको भी सेहत सलामती अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये हमारी महफिलों की जान हमेशा रहे हैं, भी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं गुजारिश करूँगा अगर हाजी एहसान कादरी साहब यहाँ पर तशरीफ़, हुजूर मेहरबानी, जब लोग तड़ी ज़्यारत करने से कहा। हुजूर अतर आलम साहब सरकार के महबूब मुरीदीन में से सारी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे प्यार रहा है। हर बंदे का एक अपना, जिससे भी बात करो वो कहता था जो प्यार मुझसे था वो किसी और से नहीं है। ये मेरे शहनशाह की इंफरादियत है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने चेहरे बैठे हैं ये सब सरकार के महबूब है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा सिकाफ बांधने की मीनू अल्लाह ने सुख रहना रखे है, मगर उन्होंने अपने मुरीदीन को सुख रहना रखा हुआ है, लाडों से पाला है, नाजों से। अल्लाह पाक हमेशा यहाँ पे भी, कब्र में भी, हश्र में भी यही मेहरबानी फरमाए। और लबीद फुकान साहब आपका भी इंतहाई मशहूर। दीगर जिन दोस्तों का जो सामने हमने बैठे हैं, अमादुद्दीन भाई तशरीफ़ वहाँ फरमा हैं, और जो दोस्त अहबाब जो जहाँ जहाँ बैठे हैं, सबका दोनों हाथों से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, मोहब्बत दे। बिला तख़ीर मैंने हाजिरी आखिरी बंदा होता ना, वो कहते ने यहाँ तो आखिरी बंदे नूं चौल बहुत मिलते हैं, तो या फिर वो या फिर तो सोया भी कि साढ़े से अलहमदुल्ला बहुत ही आए, घट नहीं आए अलहमदुल्ला। मोहतरम मलिक साहब तशरीफ़ लाए हैं, आपका भी शुक्रिया। तबीयत की नसाजी के बाद हाजी अहमद बिन आज साहब, महफिलों की जान और रूह रवां, अल्लाह सलामत रखता फरमाए। बर नाम और वक्त कलील है, बेटा भाई सामने तशरीफ़ फरमा है, अगर ये चेहरे करीब करीब हों तो और भी ज़्यादा खुशी है, मगर आप आ जाएँ। अहमदुद्दीन भाई आप भी आ जाएँ तो मोहब्बत है, तशरीफ लें, आ जाएँ। बिस्मिल्लाह हाजी साहब रियाज भाई आ जाएँ, मोहब्बत के साथ रुदे पाक पढ़ दीजिए ज़रा। सल्लल्लाहु अलैहि
نہیں ہے تو لمبی حاضری نہیں مگر سرکار جی قبلہ کی بارگاہ میں مناقب کے چند اشعار. ہاں ولا کا مرکز ولا کا مرکز سخا کا پیکر ولا کا مرکز سخا کا پیکر غلام ہے در غلام ہے در ولا کا مرکز سخا کا پیکر ولا کا مرکز سخا کا پیکر غلام پیکر غلام حیدر غلام حیدر ملا قبر کر سخا کا پیکر غلام حیدر غلام حیدر. سنو یار اگر میری گل جیڑا جانتا ہے نا اگر میری گل غلط ہے وہ پانی انج ہی بیٹھا رہے جی میری گل سچی ہے نا تو دونوں ہاتھ چک کے اس گل کی گواہی دے دیو. ولا کا مرکز سخا کا پیکر ولا کا مرکز سخا کا پیکر غلام حیدر غلام حیدر غلام حیدر غلام حیدر عطا ہے مولا عطا ہے سرور عطا حضور خود بے مدینہ کا گھر غلام حیدر غلام حیدر غلام حیدر غلام حیدر عقیدتوں کا خراج لکھوں میں الفتوں کی معراج لکھوں میں الفتوں کی کاغذ کے عین اوپر قلم سے کاغذ کے عین اوپر غلام حیدر غلام حیدر غلام حیدر غلام حیدر ہاں غلام حیدر غلام حیدر غلام حیدر غلام حیدر ہاں غلام ذہن میں آیا تو میں نے ایک سیدزادے ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی آج حاضری کے لیے کچھ چیز
ترتیب دیں تو انہوں نے آج کی اس محفل کے لیے ایک خاص اشعار چند لکھے ہیں تو میں پیش خدمت کرتا ہوں کہ آج ہے حیدر پیا دشادی آؤ رل کے منان چلیے آج ہے حیدر پیا دشادی آج ہے حیدر پیا دشادی آؤ رل کے منان چلیے آج ہے حیدر آج ہے در پیا دشادی آؤ رل کے منان چلیے آج ہے در پیا دشادی آؤ رل کے منان چلیے سنیے گا شیر غوثِ اعظم تے دل دا جانی غوثِ اعظم دے دل دا جانی قطب تیبہ دی ہے نشانی قطب تیبہ دی ہے نشانی غوثِ اعظم دے دل دا جانی قطب تیبہ دی ہے نشانی خیر ونڈتا خیر ونڈتا نجف تو لے گے خیر ونڈتا نجف تو لے گے آؤ چولی اج بان چلیے خیر ونڈتا نجف تو لے گے خیر ونڈتا نجف تو لے گے آؤ چولی اج بان چلیے خیر ونڈتا نجف تو لے گے چولی وچ لین چلیے آؤ گوتی وچ پان چلیے آج ہے در پیا دشادی آؤ رل کے منان چلیے میں آخر میں انشاءاللہ پتا ہے اس طرح آؤں گا یہ جو شعر میں نے نہیں کہا مجھے نہیں پتا ان کو کیسے پتا چلا مگر جس بندے نے بھی پوچھ لو نا ان کو جی مینوں جو کچھ نوازے آ رہا میرے مرشد نوازے ایک بات میں کہنے لگا ہوں اگر سچ ہے تو پھر ضرور بولیے گا پریا کاسا فقیری مک گئی میرا پریا کاسا فقیری مک گئی منگ کے کھاون بھی اسیری مک گئی منگ کے کھاون بھی اسیری مک گئی رنگ جو لایا رنگ جو لایا جو لایا میرے حیدر رنگ جو لایا میرے حیدر سارے جگ نو وخان چلیے رنگ جو لایا میرے حیدر سارے جگ نو وخان چلیے رنگ جو لایا میرے حیدر سارے جگ نو وخان چلیے سامنے جتنے چہرے ہیں آپ کسی کو بھی علیحدہ کر کے پوچھیں گے نا وہ یہی بات کہے گا پریا کا سا فقیری مک گئی منگ کے کھاون بھی اسیری مک گئی منگ کے کھاون بھی اسیری مک گئی رنگ جو لایا رنگ جو لایا میرے حیدر رنگ جو لایا میرے حیدر سارے جگ نو وفان چلیے رنگ جو لایا میرے حیدر سارے جگ نو وفان چلیے سارے مریضوں کے لیے شعر کیونکہ کلام نوا ہے نا تسی آواز تے غور نہ کرو لفظاں چ غور کرو بنیا دولا جے میرا حیدر بنیا دولا جے پیر میرا بنیا دولا جے پیر میرا حامی میرا دستگیر میرا حامی میرا دستگیر میرا او بنیا دولا جے پیر میرا حامی میرا دستگیر میرا حامی میرا دستگیر میرا سنو
लाग नपनाए मैं कदे चो सानू लाग लभनाए मैं कदे चो लाग लभनाए मैं कदे चो आओ सेरा सुनान चलिए लाग लभनाए मैं कदे चो आओ सेरा सुनान चलिए लाग लभनाए मैं कदे चो आओ सेरा सुनान चलिए के जाके मर लो हुए है दर दे जाके मर लो दर्स है दर पिया ते कोलो दर्स है दर पिया ते कोलो आओ घर घर सुनाण चलिए दर्स है दर पिया ते कोलो दर्स है दर पिया ते कोलो आओ घर घर सुनान चलिए फितना बाजी दा दौर तौबा शायर जिसने लिखा है आप उनका तखल्लुस सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा फितना बाजी दा दौर तौबा ओ नासबियत दा शोर तौबा नासबियत दा शोर तौबा चल हजी चल चल हजी चल चल हजी चल तवार है दर चल हजी चल तवार है दर ईमान अपना पहचान चलिए चल हजी चल तवार है दर ईमान अपना पहचान चलिए आज है दर पिया की शादी आओ रल के मनान चलिए आओ रल के मनान चलिए आखर ते मनपदे मौला हैदर जी चलो मैं वो भी इंशाल्लाह एक शेर उसका भी पेश कर दूंगा मगर सब दोस्तों का एक अपना शौक है सरकार जी किबला ने जो हमें दरे आले रसूल की जो खैरात सबको नसीब हुई है जो दी है जो सिखाई है जो करके दिखाया है वो हक बनता है हमारा मिलकर मोहब्बत के साथ हाँ के सारे हैं दरिया असा है दरी बैना बोलो सारे हैं दरिया दम दम हर वेले असा अली अली कहना अली अली कहना असा अली अली कहना अली अली कहना सारे हैं दरिया असा है दरी देना नहीं नहीं जेड़ा हैदरी है वो हट चुके दूजा भावे ना चुके दो में हट चुके बोलो जरा सारे हैं दरिया असा है दरी देना ए, 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 बोलो दम दम हर वेले असा अली अली कहना अली अली कहना अली अली कहना वे बोलो सारे हैं दरिया असा है दरी देना ए, ए, बोलो दम दम हर वेले अली अली कहना अली अली कहना बोल
हाथ चुक के कोई हाथ लेना हो तो मैं चुक के बोलूंगा हैदर 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 मौला हैदर 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 मौला हैदर 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 मौला हैदर 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 बोलो हैदर 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 सारे शादी सेज प्यारी नी बहारे खान हारी फुल शादी सेज प्यारी नी बहारे खान हारी अल्लाह मिलाया अज आई बारी अल्लाह मिलाया अज आई बारी मुझे बिजनल होया मगान ने मेरा पिया गर आया गुलाल नी glass kachte glass kachte glass kachte glass kachte glass kachte mere hadd diwar te divane nachde 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 challa pakhiyan main 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 challa pakhiyan चला पखिया मैं चला पखिया मेरे हैदर दे तवारे उत्ते आन सखिया हैदर दे तवारे उत्ते आन सखिया मेरे हैदर दे तवारे उत्ते आन सखिया मेरे हैदर दे तवारे उत्ते आन सखिया मेरे हैदर दे तवारे उत्ते आन सखिया सोना हैदर सोना हैदर सोना हैदर हैदर सोना हैदर तशरीफ रखे बाबू बस मौला अब्बास की सरकार की जो मुझे कहा गया वो उसका शेर पढ़ के जा सकूंगा आज सारे बाबू बैठ जाइए तशरीफ रखे अपनी अपनी मजलिस पे जी सर अब आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी निश्तों पे तशरीफ रखें बैठ जाए जी जी प्लीज बैठ जाए ताकि जी जी एक एक शेर का जो हुक्म दिया निश्तों पे झुकते हैं जहां शाबी मेरा वो आस्ता झुकते हैं जहां शाबी तेरा वो आस्ता तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ शेरे खुदा है बाप
और शेर करबला तो शेर खुदा ने बाबा और शेर करबला तू तेरे दर पे जो भी आए हो मुश्किल कर खुशा तू तेरे दर पे जो भी आए हो मुश्किल कर खुशा तू तेरे दर पे जो करे खुशा तो तेरे दिए जलाता है इसलिए जहां तेरे दिए जलाता है इसलिए जहां अब पास तेरे दर सा दुनिया में दर कहां अब पास तेरे दर पुकारो शाह जी लांगो पुकारो हाँ पुकारो शाह जी लांगो पुकारो संवर जाए कि किस्मत हो संवर जाए कि किस्मत बे पुकारो शाह जी लांगो पुकारो संवर जाए कि किस्मत हो संवर जाए कि किस्मत बेसहारो ये दर महबूब सुभाने का दर है ये दर महबूब सुभाने का दर है किस्मत बेसहारो पुकारो 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 एक शेर आखिरी के मुरीदी लाता खफुन का है परमा मुरीदी लाता खफुन का है परमा यारो मुरीदी लाता खफुन बल के आओ ओ ना घबराओ जरा भी गम के मारो पुकारो 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 अल्लाह पाक हम सबकी हाजिरी हर गम कबूल मंजूर फरमाए शेड्यूल जो है वो आप अनाउंस करें दुआ खैर के लिए दुआ खैर के लिए मैं इंतहाई दिल से अदब एहतराम से इल्तिजा गुजार हूँ किबला जी 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 हाँ जी 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 जो है वो पांच मिनट के लिए हजरत अलामा साहब कोई शाह साहब ने फरमाया कि सरकार जी की को बात सुनाएंगे उसके बाद सैयद किबला सैयद अवैस
गिलानी साहब से घर दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि समील अलीम मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बा صدق الله مولانا العظيم न दुनिया से न दुनिया के बाजार से मिलती है न दुनिया से न दुनिया के बाजार से मिलती है वो दौलत जो खुदा वालों के प्यार से मिलती है। आज की ये तीसरा सालाना उर्स मुबारक मैं इन सादात फखर सादात सैयद गुलजार गुलजारशाह साहब अताल्लाह उम्रहुम और सैयद सादात सैयद उवैस शाह साहब अताल्लाह उम्रहुम साहबजादगान में से सजाद हैदर साहब मुद्दजिल आली छोटे साहबजादा साहब जुनैद हैदर साहब खुलफा और ख़ास और मेरे नहायत ही प्यारे शागिर्द और दोस्त जनाब एहसान कादर साहब मुरीदीन मुतवस्सलीन अकीदतमंद हजरात आपको ये निस्बत बहुत बहुत मुबारक हो। तो तसव्वुफ़ के अंदर तीन चीज़ें तीन मरहले आते हैं। सबसे पहला मरला जो वसूल इल्लाह की तरफ जाता है वो फिनाफ शेख होता है, उसके बाद फिनाफ रसूल है और उसके बाद फिनायत का आखिरी मकाम फिनाफिल्ला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो तसव्वुफ़ सुलूक की जो पहली मंजिल है जो माहौल देखा अल्लाह ताला की जात ने आपको ये इजाज़त अता फरमाया है कि अपने मुर्शिद कामल की शख्सियत के अंदर आप फना हो चुके हैं। आपका इश्क सादक और मोहब्बत सादक ये काबिल रश्क है। आगे दो चीजें होती हैं, एक मोहब्बत की दो किस्में होती हैं, एक सूरी होती है और एक मानवी होती है। आपने मानवी मोहब्बत का इजहार कर दिया है, अब शेख कामल की सूरत से मोहब्बत भी किया करें आप, उस जैसी सूरत बना लें तो ये फिनाफ शेख का एक आला मकाम आप मिल जाएगा। दूसरी जो बात मैं करना चाहता हूं कि इतकादे अहले सुन्नत के अंदर हम उलमाए किराम मेहराब और मिंबर के ऊपर क्या पैगाम देते हैं अहलुल्लाह के बारे में, सहाबाए किराम के बारे में, अहले बैत के बारे में, आकल इस्लाम की जात के बारे में और अल्लाह जल्ला शानू की जात के बारे में, इनके साथ अकीदा, तो हमने ये देखा कि शायरी के अंदर वो सारे का सारा जो कुरान और सुन्नत के हम अंदर बयान करते हैं शायरी के अंदर अकीदे का सारा पैगाम किबला सैयद गुलजार शाह साहब की सियादत के अंदर अल्लाह ताला की जात ने इस महफिल के अंदर हमें नसीब फरमा दिया। उर्स और यहां पे मिजार के ऊपर आना कुरान से अल्लाह ताला के नेक बंदों यानी वलियों का जिक्र कहां कहां मौजूद है खुद कुरान मजीद फरमाता है, अल्लाह जल्ला शान उसके जिक्र किया है, सईदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र, सईदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीम मुरीद और उनके उनके उम्मती सईदना आसिफ बिन बरखिया का जिक्र, असहाब काफ का जिक्र, ये सारे के सारे जिक्र जो है ये कुरान से साबित है। को हम को गैर शरी काम नहीं करते हैं, इसलिए आज यहां पे हम हाजिर हुए इसकी शरी हैसियत कहां से मिलती है। सईदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा मस्जिद अक्सा के अंदर सईदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के उनकी सुपरवीजन